आने वाला समय में क्या होगा हमारे बच्चे का, क्या खाएगा हमारा बच्चा, क्या करेगा हमारा बच्चा, हम इस बात के लिए चिंतन और मनन कर रहे हैं। और जयराम बाबू आज पूरा डेढ़ साल से आंदोलन कर रहे हैं, डेढ़ साल से लड़ाई चल रही है। हम देख रहे हैं कि लड़ाई आज चार दिन पहले बिहार में एक अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट का कारण क्या हुआ कि उन्होंने बोला था कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति नहीं होगी जो वहां का स्थानीय निवासी है। सरकार ने अमेंडमेंट किया और उसने लिखा कि अब स्थानीय नहीं, भारत के सारे नागरिक उससे सम्मिलित हो सकते हैं, पूरे बिहार में इसका आंदोलन प्रकार होगी। अब समझने की बात है दादा, एक बहाली में पूरे बिहार में आंदोलन छिल गया और 23 साल से हमारा शोषण हो रहा है, 23 साल से हमारा शोषण हो रहा है। कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को, यंग ग्रुप को, जो नौजवान है, उस चीजों को समझना होगा। माइक भी समाज आए हुए हैं निश्चित तौर पर जयराम बाबू का सुनने के लिए, निश्चित तौर पर माँ बहुत देर से 2 घंटा तक बैठे हुए हैं। हम माँ काकी से एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि निश्चित तौर पर पिछले 23 साल से हमारा जो चिन्हन हुआ है, हमारे साथ जो गली राजनीति हुआ है, ओकर यदि केहू दूर कर पाता तो वो है जयराम बाबू, ओकर यदि केहू दूर कर पाता तो वो है जयराम बाबू। हम पानी से आग्रह कर दो जेबीकेएसएस के जय भी यहाँ फर्मावान के जय भी कमेटी में है, जय भी लड़का इस कमेटी में सम्मिलित है, सबसे पुनः आग्रह कर दो कि एकदम सुचारू ढंग से लोग के समाहित करा, संयोजित करा, संगठित करा और कहीं ना कहीं अपन इमेज लोगों के लिए जाए जाए कि हमने चाय पी वाली। कोई मकसद नहीं है सत्ता बदलने के लिए, जो लोग सत्ता में वही सत्ता में ले, लेकिन व्यवस्था बदलना चाहिए, व्यवस्था सत्ता बदलने चाहिए बच्चे, लेकिन व्यवस्था बदलनी चाहिए। जयराम बाबू सत्ता बदलने नहीं आए, व्यवस्था बदलने आए। हमारी वैकेंसी हमारे में लगा होना चाहिए, 40 में चल क्या बात हो रहा है भाई, हमारे यार हमारे प्लान सब कुछ भाई बता लेगा कहा आज बिहार चल रही तो हम बिहार तक ओपन कर रहे तो हम कह यही बिहारी फाट प्यार फाट तो झारखंडी फाट झारखंड फाट नहीं बिहारी फाट प्यार फाट लेकिन झारखंडी फाट झारखंड फाट नहीं। निश्चित तौर पर हम भी क्या कहूँ ना कहूँ मंथन कर रहे तो कहूँ ना कहूँ युवा पीढ़ी के खास करके यंग ब्लड के हम कहो कि इस चीज के बैठे हैं तो और समय युक्त रहे तो यदि नालन कर पूरा आंदोलन के अगर सुचारू रूप से ले जाना है तो कहीं ना कहीं हमने के जयराम बाबू के एक नेतृत्व दिए हेते अपना कहूँ ना कहूँ दिए हेते क्योंकि सदन में जितना भी लोग बैठा हो तुम एक अभी बहुत नया लड़का विजय बाबू एक बात कहो तुम कि आखिर कितना दिन तक हमने भोपे कितना दिन तक 23 साल जे किधर जंगल ले जाते हैं समय आज वो एक बार वोट देके सेकंड बार वोट देते जुआन बन गए लेकिन ताव पना नहीं। आज देखो मामूली से झरिया के विधायक ठीक हो कि ऊपर से काम को वोट मिला है क्या, संवैधानिक अधिकार किसी को रहने के लिए नहीं है, निश्चित तौर पे अधिकार है रहने के लिए, आप रहो यहाँ रोजगार करो लेकिन मेरा हक भी कल सुनोगे तो तुमको छीन दिया क्या दिखाई देंगे। ये 2024 हम पूरा लोगों से आग्रह करते हैं कि कहीं ना कहीं बागमारा में हम लोग बागमारा की धरती में रहते हैं, बागमारा के पावन धरती में रहते हैं, आज देखे की ऐसे बॉल बेरिंग क्षेत्र है, आज इसी धर्माबाद में एक समय गुंडा हुआ करता था आ रहे थे हम कांग्रेस जी बोल रहे थे कि देखिए ये हॉस्पिटल है करीब करीब 500 डॉक्टर तमाम लोगों का इलाज होता था, आज वहाँ भूखमंगा बन गया है। आने वाला समय में क्या होगा हमारे बच्चे का, क्या खाएगा हमारा बच्चा, क्या करेगा हमारा बच्चा, हम इस बात के लिए चिंतन और मनन कर रहे हैं। और जयराम बाबू आज पूरा डेढ़ साल से आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, आज कम से कम 500 सभी सभा की है इसी बात के लेके कि कहीं ना कहीं हमें बदलाव करना है। और हम बोले ना सत्ता बदलना मेरा मकसद नहीं है, मकसद है व्यवस्था बदलना। कहीं ना कहीं विधानसभा में वैसे लोगों को जाने जरूरत है जो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल है, जो कहीं ना कहीं शिक्षित वर्ग है। आज हम ये नहीं कहते कि सबका नियोजन हो जाएगा, आज ट्रांसपोर्टिंग चल रही है, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग चल रही है, किसके द्वारा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सभापति बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, बलिया के लोग हैं, है हमारे लोग नहीं कर सकते हैं क्या, व्यवस्था ऐसा बदलना है जिसमें अधिकार मेरा, समान मेरा, मालिक मेरा और मैं मालिक होगा। मैं आपको बताता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय में हम सत्ता नहीं व्यवस्था बदलेंगे, ये आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। बस चूंकि